हेलो टू ऑल, मैं हूं करण और आप देख रहे हैं ड्राइव फॉर पीस। आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और नए अपडेट के साथ। जी हां, मारुति इंडिया बहुत जल्द अपनी 5 सीटर एसयूवी को इंडिया में लॉन्च करने जा रही है, जिसका नाम है मारुति जिम्नी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। 2020 के ऑटो एक्सपो में जिम्नी को शोकेस किया गया था और तब से इस गाड़ी को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, वो भी 3 डोर के साथ। वैसे तो इस गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के मानेसर प्लांट में होती है जो कि हरियाणा में है, लेकिन अभी इस गाड़ी को सिर्फ एक्सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन जो गाड़ी इंडिया में लॉन्च होगी वो 5 डोर है। जी हाँ, इस गाड़ी को टेस्टिंग के दौरान कई बार सड़कों पर देखा गया है। हो सकता है कंपनी जिप्सी के नाम से भी इस गाड़ी को इंडिया में लॉन्च कर सकती है। भारत में इस गाड़ी का मुकाबला महिंद्रा की थार से है जो कि काफी एक्सपेंसिव है। 5 डोर जिम्नी में आपको क्या क्या फीचर मिलने वाले हैं, आइए देखते हैं। बात करें इंजन की तो इसमें आपको इनलाइन 4 सिलेंडर 1.5 लीटर का नेचुरल स्पिरिटेड पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो प्रोड्यूस करता है 105 PHP की पावर, वो भी 138 NM टॉर्क के साथ। और ये वही इंजन है जो आपको मारुति की ब्रेजा में भी मिलता है। वही गाड़ी में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ऑप्शन मिल जाता है। कंपनी आपको फ्रंट व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी दे सकती है, साथ ही साथ मल्टी ड्राइव के ऑप्शन भी मिल सकते हैं। कंपेयर टू महिंद्रा थार, इस गाड़ी का इंटीरियर काफी शानदार होने वाला है। इस गाड़ी में आपको काफी प्रीमियम क्वालिटी के इंटीरियर मिल जाते हैं। वही सीट में आपको फैब्रिक अपॉलिश्ड सीट का फीचर मिल जाता है। फ्रंट में आपको सॉफ्ट टच डैशबोर्ड मिल जाते हैं, 8 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। वहीं आपको एक शानदार लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है ऑडियो एंड क्रूज कंट्रोल के साथ। स्टीयरिंग में आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक का फीचर भी मिल जाता है। वहीं गाड़ी में आपको काफी एडवांस फीचर मिल जाते हैं जैसे कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो सपोर्ट करता है नेविगेशन, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले एंड कार इंफॉर्मेशन सिस्टम। वहीं रियर पैसेंजर के लिए आपको AC के वेंट्स मिल जाते हैं एंड मोबाइल चार्ज करने का पोर्ट भी मिल जाता है। इस गाड़ी में आपको 6 लोगों के बैठने के लिए काफी स्पेस मिल जाता है। वहीं बात करें गाड़ी के एक्सटीरियर की तो गाड़ी के फ्रंट में आपको काफी अट्रैक्टिव रेट्रो लुक LED हेडलैम्प मिल जाते हैं। वहीं नीचे आपको फॉग लैम्प का ऑप्शन मिल जाता है। वहीं गाड़ी के साइड प्रोफाइल में आपको ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORBM का फीचर मिल जाता है और इस गाड़ी में आपको 16 और 17 इंच का टायर का ऑप्शन मिल जाता है, वो भी अलॉय व्हील के साथ। इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस कम से कम 200 mm के आसपास मिल जाता है। वहीं सेफ्टी के लिहाज से भी आपको गाड़ी में हाई स्ट्रेंथ स्टील बॉडी मिल जाती है, फ्रंट में 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं, मल्टी एंगल रियर व्यू पार्किंग कैमरा, सेंसर्स, ABS, EBD, इंजन इमोबिलाइजर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम। वहीं बात करें इस गाड़ी के एक्सपेक्टेड प्राइस की तो तकरीबन 8 लाख रुपीज से 13 लाख रुपीज एक्शोरूम प्राइस हो सकता है इस गाड़ी का इंडिया में। तो कैसी लगी आज की हमारी ये इन्फॉर्मेशन कमेंट सेक्शन में लिखना न भूले। अगर आप भी जिम्नी लेना चाहते हैं तो थोड़ा वेट कर सकते हैं, मैं ऐसे ही अपने चैनल पर नई गाड़ियों एंड बाइक के अपडेट्स लेकर आता हूँ। मेहनत मेरी, प्यार आप सभी का। वीडियो को ऐसे ही लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, ड्राइव सेफ।